of you, our chapter is heat and we have already started this chapter. Okay, so what we have seen in our last class? In our last class, we have already discussed about the thermometer. Okay, जिसमें अपन ने टू टाइप ऑफ थर्मोमीटर देखा था. फर्स्ट अपना क्या हो गया था? फर्स्ट अपन ने देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसको अपन ने डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहा था, ठीक है. और नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर अपन ने देखा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, अंडरस्टैंड. सो इनमें कुछ डिफरेंसेस भी अपन ने देखा, कहाँ पे आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हो, कहाँ पे आप आपका जो डिजिटल थर्मोमीटर है या फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका आप कहाँ यूज़ करते हो, एंड जो डॉक्टर्स थर्मोमीटर है जिसको क्लिनिकल थर्मोमीटर भी आप बोलते हो, कहाँ पे आप यूज़ करते हो, अंडरस्टैंड. ओके, नाउ वी हैव इज अपार्ट फ्रॉम दोज टू टाइप ऑफ थर्मोमीटर, वी हैव टू मोर टाइप ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर. ओके, नाउ वी हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर. ओके, तो ये जो थर्मोमीटर है अब उसका अपन ने देखा था, जो डॉक्टर्स थर्मोमीटर है वो तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने में यूज़ किया जाता है. और जो डिजिटल थर्मोमीटर है, ठीक है, वो अपन ने देखा था कि माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है. तो वो जो थर्मोमीटर वो लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है. एंड देन वी हैव इज मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर. तो ये जो थर्मोमीटर है वो क्या होता है कि डे टाइम में जब अपना टेम्परेचर क्या होता है -35 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है वो क्या होता है 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब अपना टेम्परेचर होता है डे का अपना, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. इसी से अपना जो नॉर्मल अपने इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता है, अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव इस, अगर अपने को समझना है, अगर अपने को इसको अंडरस्टैंड करना और अच्छे से कि थर्मोमीटर को आप किस तरह से और कैसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो. जैसे 3 बीकर आपने लिए, क्या किया, 3 बीकर इस तरह से आपने ले लिया, अंडरस्टैंड. ओके, और उसमें आपने क्या किया, 1 में तो आपने क्या कर लिया, नॉर्मल वाटर अपन ने ले लिया, ठीक है, और 1 में अपन ने क्या किया, आइसी कोल्ड वाटर, ठीक है, आइसी कोल्ड वाटर अपन ने ले लिया, ठीक है. एंड नेक्स्ट अपने पास में क्या हो गया, अपना आइस कोल्ड वाटर अपन ने ले लिया. नेक्स्ट अपन ने क्या ले लिया, हॉट वाटर, ठीक है, अपन ने क्या कर लिया, हॉट वाटर. अब अपने को क्या करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से इसका, डिजिटल थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मेजर करना है. ओके, तो जब आप डिजिटल थर्मोमीटर से या फिर अगर आप चाहो तो जैसे डिजिटल थर्मोमीटर से आप क्या कर रहे हो, इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि जो वाटर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आप करोगे, लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान में ये रखना है कि उसका जो बल्ब होता है डिजिटल थर्मोमीटर का वो इस कंटेनर को टच किए हुए होना चाहिए जिसका भी आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है. तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें टेम्परेचर को यहाँ पे मेजर करके देख सकते हो, अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज स्केल्स इन थर्मोमीटर. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्केल्स इन थर्मोमीटर. ओके, इट मीन्स दैट आपने भी सुना होगा या फिर आपने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर होता है उसमें अपन ये देखते हैं कि अपन ने सुना होगा कि जैसे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है. ओके, और क्या होता है अपने पास में, फारेनहाइट में टेम्परेचर होता है, डिग्री कैल्विन में टेम्परेचर होता है. तो इस तरह से अपने पास में क्या है, 3 यूनिट है जिसमें आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो. तो 1 हो गया सेल्सियस, 1 हो गया फारेनहाइट, एंड अपना क्या हो गया, डिग्री कैल्विन हो गया. ओके, तो आप इसको किस तरह से समझ सकते हो, अगर अपन बात करें आइस की, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का जो टेम्परेचर हो वो होगा तो उस पर क्या हो जाएगी, आइस हो जाएगी. एंड एज वी ऑल नो दैट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वाटर है अपना वो क्या हो जाता है, बॉइल हो जाता है. तो ये अपन जानते हैं, ठीक है. इसी तरह से इनके जो वैल्यूज़ होती है वो सेपरेट होती है. जैसे फारेनहाइट पे इसको अलग टेम्परेचर की नीड होती है, डिग्री कैल्विन पे इनको अलग टेम्परेचर की नीड होती है. तो ये क्या हो गया अपने पास में, 3 क्या है, सेपरेट यूनिट्स हो गई, अंडरस्टैंड. नाउ तो ये अपनी बात हो गई, ठीक है, इन सेल्सियस थर्मोमीटर यूनिट की.
नाउ वी हैव इज, ये अपना क्या हो गया, स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर की जो थर्मोमीटर का जो स्केल होता है वो डिग्री सेल्सियस में भी होता है, डिग्री फारेनहाइट में भी होता है, और क्या होता है कैल्विन में भी इसका जो टेम्परेचर है वो आप मेजर कर सकते हो। और अगर अपन बात करें फारेनहाइट का, ठीक है, तो फारेनहाइट नाम इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि अपने जो साइंटिस्ट थे जी डी फारेनहाइट, उन्होंने इसको क्या किया था, इस थर्मोमीटर को सबसे पहले इस थर्मोमीटर स्केल को यूज़ किया था और उन्हीं के नाम पे इस स्केल को क्या नाम दे दिया, फारेनहाइट। नेक्स्ट वी हैव इज, अब अपन बात करेंगे कन्वर्जन, ठीक है। अब अपन ये देख सकते हैं, क्योंकि कई बार अपने को, देखो ये क्या होता है कि कई बार अपने को डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करना होता है, कई बार फारेनहाइट में, कई बार कैल्विन में अपने को मेजर करना होता है, और कई बार ऐसे होता है कि अपने को टेम्परेचर क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में अपने को पता है लेकिन उसको किस में लिखना है, फारेनहाइट में लिखना है, कई बार ऐसे होता है उसको डिग्री कैल्विन में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, उनको टेम्परेचर को, इनको अपने को कन्वर्जन भी करना होता है, जैसे अगर अपने को कैल्विन में दे दिया तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखेंगे, फारेनहाइट में दे दिया तो उसको कैल्विन में कैसे रखेंगे। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इनका जो कन्वर्जन है वो होता रहता है। तो वो कन्वर्जन किस तरह से होगा, ओके, नाउ वी हैव इज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन, ठीक है। अब अपन बात करने हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, ओके। इट मीन्स दैट अगर अपने को वन स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप अनदर स्केल में उसका जो टेम्परेचर है उसको कैसे चेंज करोगे, ओके, कहाँ से और कैसे आप इसको चेंज करोगे, अंडरस्टैंड। तो इसके लिए अपने पास में एक इक्वेशन दी हुई है, या फिर आप बोल सकते हो अपने पास में एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180, ओके, इज इक्वल टू अपना जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इसमें माइनस 273 अपॉन, ये वैसे 273.15 होता है, बट नॉर्मली अपन जब भी इसका करते हैं तो 273 इसका टेम्परेचर जो है वो अपन ले लेते हैं, और अपने पास में क्या हो गया, अपॉन में 100 हो गया, ठीक है। तो अपन सीखेंगे यहाँ पे कि जो डिग्री सेल्सियस में अगर अपने को टेम्परेचर दिया हुआ तो उसको फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, ओके, और उसको कैल्विन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। एक मेथड अपने पास में ये हो गया, नेक्स्ट अगर कैल्विन में होगा तो आप उसको फारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे अगर किसी एक की वैल्यू दी हुई है, जैसे आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे दी, ठीक है, तो उस डिग्री सेल्सियस को आप क्या कर सकते हो, इसमें भी चेंज कर सकते हो, बिकॉज जो डिग्री सेल्सियस और ये जो वैल्यू है ये इसके क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसी टाइप से अगर आप इसको, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे दिया, आपको कैल्विन में चेंज करना है, तो आप क्या हो गया, ये इसके इनडायरेक्टली इससे इक्वल हो गई। तो आप इससे इसका जो डिग्री केल्विन में भी इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, और अगर आपको फारेनहाइट में दे दिया, ठीक है, तो आप डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और डिग्री केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और डिग्री सेल्सियस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको अपन समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे अगर अपने पास में डिग्री सेल्सियस है तो इसमें अपन ने क्या किया, डिग्री सेल्सियस किसी भी अपने को जैसे 1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस है उसको अपन क्या करेंगे, डिग्री फारेनहाइट में भी और केल्विन में भी अपन उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अपन ने क्या किया, 100 यहाँ पे ये अपना हो गया, ठीक है। पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे फारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना अपने को, ठीक है, तो ये अपना हो गया फारेनहाइट में, एंड 32 अपॉन 80 हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे इसको, अब आप जानते हो कि इस तरह से अगर अपने पास में जब भी होता है तो आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 180 जो है वो इससे हो जाएगा, तो ये अपना जो है टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, ये अपना हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको सबसे पहले देखो ये चीज़ें समझ सकते हैं, लाइक जैसे अपने पास में ये 100 है तो सबसे पहले अपन ने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, 100 हो गया, ओके, तो ये से कट हो गया। नाउ वी हैव इज, अब अपने पास में क्या, देखो ये अपने पास में 18 अपॉन क्या हो गया, 10 हो गया। अब ये जो माइनस में
अपने पास में 32 है, ठीक है, 32 माइनस 32 है तो इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा 32 प्लस में हो जाएगा प्लस। अब आप इसको जब सोल्व कर लोगे तो आपका डिग्री फारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा। कैसे करेंगे, लाइक इसको अगर अपन इससे क्या करेंगे तो ये 1.8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1.8 प्लस 32 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट अपना टेम्परेचर हो गया। अब आप इसको देख सकते हो कि ये अपना जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा 33.8 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा किसके, फारेनहाइट के, ठीक है। तो अगर अपन ने ये इस डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दिया, 33.8 डिग्री फारेनहाइट इसका टेम्परेचर जो है वो हो गया। नेक्स्ट अगर अपन देखो, अब तो अपन ने देखा अपना जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उसमें उसको अपन ने किस में कन्वर्ट किया, फारेनहाइट में कन्वर्ट किया। अब अपन बात करेंगे इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे अपन ने यहाँ पे इसको सेम तरीके से अपन ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया वैसे अपन इसको उस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो अपन अब क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल ले लेंगे। तो अपन ने क्या किया, जैसे ये क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब अपने पास में ये क्या हो गया और अपन ने क्या ले लिया, ये डिग्री केल्विन माइनस 273/100 हो गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस इसमें हो जाएगा, ओके। एंड देन अपने पास में क्या हो गया ये 100। अब अपन बात करेंगे कि ये जो डिग्री माइनस 273 है ये क्या हो जाएगा इसमें प्लस में, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 273 अपना हो गया इज इक्वल टू डिग्री केल्विन, ठीक है। तो डिग्री केल्विन में अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो ये अपना क्या हो गया 273, बट ये 273 हमेशा माइनस में होता है, तो ये अपना डिग्री सेल्सियस में। अब देखो अपने पास में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ था और उसको केल्विन में अपन ने कन्वर्ट कर लिया, तो ये टेम्परेचर क्या हो गया इसमें, क्या हो गया अपना डिग्री सेल्सियस में। अब अपन ये देख सकते हैं कि अपन ने डिग्री सेल्सियस में दिया उसको अपन फारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, और इसको आप केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी टाइप से अगर केल्विन में टेम्परेचर आपको दिया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे केल्विन में अगर अपन बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया 1 लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 1 केल्विन इसको ले लिया माइनस 273/100, ठीक है। अब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में, तो ये डिग्री सेल्सियस में हुए, ये 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, जैसे ये जो 100 है ये क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 डिग्री केल्विन, ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और इसके अपॉन में क्या डिग्री सेल्सियस है। अब ये 100 से क्रॉस आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आती है वो हमेशा माइनस में आती है, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो -272 डिग्री सेल्सियस आपका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में आ जाएगा। इसी टाइप से अगर अपन ने ये टेम्परेचर लिया इसको फारेनहाइट में अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू अपन क्या कर लेंगे, इनको एक साथ में ले लेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या किया 1 डिग्री, यहाँ पे केल्विन का जो वैल्यू है वो अपने को 1 डिग्री दी हुई है, ओके, तो ये अपना फॉर्मूला अपन यहाँ पे रखेंगे अपॉन 100, ठीक है, मैंने यहाँ से ये फॉर्मूला अपना रख लिया, ठीक है। अब अपने को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे -32/180, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन इससे करेंगे, जैसे अपन ने ये माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा -72 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया 100 हो गया। इसी टाइप से अपने पास में क्या हो गया, नेक्स्ट फारेनहाइट -32 हो गया अपॉन 180 हो गया। अब अपन 180 को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, ठीक है, तो ये जो इधर कर देते हैं, ठीक है, तो -272 × 180/100, ओके, एंड देन अपना क्या हो गया F-32। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो इससे कट हो जाएगा, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे इसको 272 को 18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है ना इसमें, तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं 272 को अपन ने क्या किया 18 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 और क्या आ जाएगा अपना 272, और जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 9 9 एंड 3,
ठीक है, तो अपना ये जो वैल्यू है वो अपनी क्या हो गई, 3996 हो गई अपॉन में, अगर अपने पास में अपॉन में 10 है तो आप क्या करोगे, जब भी किसी ज़ीरो वाली वैल्यू होती है तो उसे जब आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो वन नंबर के बाद में आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। अब अपने पास में क्या है, 32 है, इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, फारेनहाइट। तो इनको जब आप प्लस कर लोगे, ओके सो लेट्स सी, तो अपने इनको प्लस जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.1131, और ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस में अपनी वैल्यू आ जाएगी इसमें। लेट मी चेक अगेन, ओके, तो ये अपनी जो वैल्यू है वो फारेनहाइट में आ जाएगी। तो ये अपनी वैल्यू क्या आ गई, फारेनहाइट में। तो इस तरह से अपन देखो, अपन ने देखा अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो आप उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर केल्विन में दिया हुआ तो फारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी एक की वैल्यू आपको दी हुई हो तो आप इन दोनों में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना जो मेथड है वो आप इस तरह से क्या कर सकते हो कि जो अगर वन स्केल आपको दिया हुआ है तो अनदर स्केल में आप खुद से इसको इस फॉर्मूले के थ्रू आप खुद से इनको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अब अपना ये जो मेथड था, ठीक है, ये तो अपन ने देखा कि आप क्या कर रहे हो, इन स्केल्स को कैसे कन्वर्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अब अपन देखेंगे कि जो अपनी हीट है वो वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफर होती है। ओके, सो नाउ वी हैव इज, हाउ डज हीट ट्रांसफर, ठीक है, तो हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, तो आप ले सकते हो हीट ट्रांसफर। अब आप हीट ट्रांसफर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो इसका एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं। अपन ने बात किया था कि जब भी अपन मॉलिक्यूल्स के स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस अपने पास में है तो उसकी क्या होती है, वो थ्री स्टेट्स में होता है, ठीक है, या तो सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या फिर क्या होगा, गैस में। तो क्या होगा, जो भी अपने पास सब्सटेंस है सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, या फिर सब्सटेंस अपने पास में क्या हो गया, गैस हो गया, इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में अगर कोई भी सब्सटेंस है तो आप ये जानते हो कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल कंजस्टेड होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगर बात हो गई तो वो क्या हो गई, सॉलिड हो गए। लेकिन अगर अपने पास में लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होगा, इस तरह से कुछ स्पेस इनमें होगा, सो दैट इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और अगर अपन बात करें गैस की, तो गैस में हमेशा अपन जानते हैं कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो ये क्या होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, और ये इजीली एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। तो इन्हीं पे बस, अब इनके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी हीट ट्रांसफर होगी तो, ओके। तो अपन इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सॉलिड सब्सटेंस अपने पास में है तो उसमें कैसे होगा कि जैसे अपने पास में, अपन यही लेते हैं कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मेरे पास में ये क्या है, आयरन रॉड है जो सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो गया, ये क्या हो गई, कैंडल, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, कैंडल जो मैंने जलाई हुई है, ठीक है। अब मेरे पास में ये क्या हो गई, आयरन रोड हो गई, ठीक है। अब आप जानते हो कि आयरन जो है वो मेटल है, इसीलिए ये क्या है, सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स क्या है, इस तरह से एक दूसरे से कंजस्टेड है, एक दूसरे से इस तरह से अटैच है, ओके। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इस तरह से ही है, ठीक है, तो अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे इसको यहाँ से हीट मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, हीट मिलना स्टार्ट हुआ, इट मीन सबसे पहले ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसका, ये क्या हो जाएगा, इसको, ये हीट को गेन करेगा, फिर ये किसको हीट देगा, इसको हीट देगा, और किसको हीट देगा, इसको हीट देगा, ठीक है। फिर ये जो मॉलिक्यूल है ये इसको हीट करेगा, और ये जो मॉलिक्यूल है ये इसको हीट करेगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल इसको हीट करेगा, ये अपने पास वाले को, अब आप ये देख रहे हो इसमें कि अपने पास जो सॉलिड सब्सटेंस है उसमें वन मॉलिक्यूल जो है वो अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स के पास में क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये तो अपनी बात हो गई सॉलिड की, और अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है,
हीट जो है वो क्या करती है, जैसे ये हो गया, तो जब अपने पास में वन सबिस्टेंस है, वन मॉलिक्यूल है, इसके पास में जब ये हीट इससे जाएगी, इस मॉलिक्यूल के पास में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही क्या होती है, ये हीट को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो ये इसके पास में जाएगी तो कुछ टाइम इसमें लगेगा, ओके। तो ये इस तरह से, जैसे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास ऐसे आते रहते हैं, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता रहता है, तो ये जब पास आएंगे तो हीट ले लेंगे, दूर जाएंगे तो ये दूसरे, जैसे ये क्या हो गया, जैसे टू मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, तो ये जैसे पास आए, क्योंकि मूवमेंट तो इनमें होता है, पास आएंगे तो ये हीट को ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है, और फिर दूर जाएंगे, जैसे ये पास आए तो एक दूसरे से ये दोनों हीट हो गए, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, जैसे ये इसके पास जाएगा तो इसको इसने हीट दे दी, और इसके पास जाएगा तो इसको हीट दे दी, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, और इसी टाइप से गैसेज में होता है, ठीक है, तो गैसेज में भी इसी तरह से हीट इसमें हो जाती है, ओके। तो इनमें क्या होता है, इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है, अब इनके एग्जांपल्स भी अपन बात करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी देखेंगे, उनके थ्रू भी अपन क्या करेंगे, इसको ये जो अपना टॉपिक है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। सो नाउ आवर टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, सो थैंक यू।